सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अब थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि आज का एडिटिंग कैसा होने वाला है। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह से डार्क ब्लैक डार्क टोन इफेक्ट फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड का कलर जो है उसको चेंज कैसे करें, वो भी लाइटरूम एप्लीकेशन के द्वारा। तो मेरा ये ओरिजिनल फोटो आप देख सकते हो गाइस, एक ओरिजिनल फोटो है। मैंने इसको कलर ग्रेडिंग करके कुछ इस तरह से बस कुछ ही मिनट में इस तरह से फोटो को एडिट कर दिया है। तो अगर आप भी अपना फोटो में कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा दोस्तों इस तरह का फोटो आपको कैसे बनाना है। तो प्लीज़ अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। फोटो को क्या करना है, सबसे पहले मैं इस फोटो को यहाँ से शेयर करके अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो सिंपली मैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के ऊपर लेकर चलता हूँ इस फोटो को एंड बताता हूँ कि आगे कलर ग्रेडिंग कैसे करें। तो जैसे ही लाइटरूम एप्लीकेशन के ऊपर शेयर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे दोस्तों। तो नीचे में आपको दिख रहा होगा एडिट का एक ऑप्शन, सिंपली एडिट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक्सपोजर का ऑप्शन आएगा फर्स्ट में, इसको थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा माइनस करने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली कलर वाले पे क्लिक कर देना होगा। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो जैसे ही कलर पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर में एक मैक्स मिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली मिक्स पे क्लिक कर देना है एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस टाइप का। तो सिंपली फर्स्ट वाले रेड को आपको सेलेक्ट कर लेना है पहली बार एंड यहाँ पे तीन ऑप्शन नीचे में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्या करना है, थोड़ा सा माइनस कर लेना है एंड सेकेंड वाले को थोड़ा सा प्लस कर लेना है एंड इसके बाद आगे का कलर क्या है दोस्तों, ऑरेंज है, सिंपली ऑरेंज पर क्लिक कर लेना है एंड फिर से नीचे तीन ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली इसको क्या करना है, फर्स्ट वाले को थोड़ा सा प्लस कर लेंगे एंड सेकेंड वाले को माइनस थोड़ा सा कर लेंगे एंड इसके बाद थर्ड वाले को थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा एंड इतना करने के बाद क्या करना है, आप थर्ड कलर को सेलेक्ट करना है येलो वाला को एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन को इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है एंड सेकेंड वाले को भी थोड़ा सा माइनस कर लेना है। तो इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, एंड इतना करने के बाद थर्ड वाले ऑप्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा एंड इसके बाद अब आगे का कलर क्या है, ग्रीन। तो सिंपली ग्रीन पर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी पूरा माइनस कर लेना है एंड जैसे ही पूरा माइनस करोगे यहाँ पे कलर आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा चेंज हो चुका है कलर एंड सेकेंड वाले ऑप्शन को भी थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा, थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा एंड इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से फिर आगे का कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको करने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस कर लेना है एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर लेना है एंड इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से डन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर डन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डन कर देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक और नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट्स का, सिंपली इफेक्ट्स वाले पे क्लिक कर देना है एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर सेकेंड में ऑप्शन दिख रहा होगा विजेंटे का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड अमाउंट जो है इसको माइनस की ओर कर लेना है, इतना अपना जितना अच्छा लगे उतना माइनस की ओर कर लेना है एंड माइनस की ओर करने के बाद सिंपली अब क्या करना है, आप स्क्रॉल कर थोड़ा सा साइड में आना है एंड लास्ट में प्रोफाइल्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, राइट साइड थोड़ा जाना है। इतना जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर आर्टिस्ट 4 एंड 5 दिख रहा होगा, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो आपको क्या करना है, 5 पे क्लिक कर देना है एंड जैसे 5 पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो कुछ इस तरह से एकदम फोटो जो है एडिट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कलर कितना सिनेमैटिक कलर यहाँ पे लग रहा है देखने में एंड इतना करने के बाद अब सिंपली यस पे क्लिक कर देना है एंड जैसे यस पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो जो है एडिट होगा कुछ इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर का फोटो, बिफोर एंड आफ्टर फोटो, जैसे कि आप देख सकते हो कितना मस्त एंड सिनेमैटिक फोटो लग रहा है। तो अगर आप भी इसी तरह से फोटो एडिट करना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मेरा फोटो तो एडिट हो चुका है, अब इसको मैं गैलरी में सेव करता हूँ। तो गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड नीचे में सेव कॉपी टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है। तो आपका फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।